नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पुर्तगालियों के आगमन के बारे में डिस्कस किया है, उसके ही एक कंटिन्यूस रूप है। और इस वीडियो में हम डच के बारे में पढ़ेंगे कि डच भारत में कैसे आए और उसकी व्यापारिक गतिविधियां क्या क्या रही। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोरोना के समय में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आप सबका सहयोग चाहिए इस कोरोना को हराने के लिए। इसीलिए आप सरकार के नियमों का पालन कीजिए, मास्क को हमेशा लगा के ही घर से बाहर निकले और समय समय पर हाथ धोए और सामाजिक दूरी को बनाए रखे। उसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। तो डच कौन थे? डच हॉलैंड वासी थे, हॉलैंड के जो वासी थे उसको डच कहते हैं और उस हॉलैंड को हम नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में जैसे कि पुर्तगालियों के बारे में बताया था कि पुर्तगाली का आगमन कैसे रहा, उसका व्यापार कैसे रहा और व्यापारिक गतिविधियां के साथ उसका पतन कैसे हुआ, ये सब वीडियो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ेंगे डच के बारे में, तो डच भी पुर्तगाली को कैसे रिप्लेस किया और हिंद महासागर के क्षेत्र में यूरोप से एशियाई देश या हिंद महासागर के क्षेत्र में कैसे आया, क्या प्लानिंग थी उसको आने का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि आप पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर लेंगे और इस पॉइंट को आप नोट भी कर लीजिए ताकि जिससे कि आपका नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं डच के आगमन और उसकी गतिविधियों के बारे में। तो पहला पॉइंट जो है जिसमें हमने ये देखा था कि जो पुर्तगाली भारत में आए हुए थे तो उसका पतन कैसे हुआ था, कि पुर्तगाली जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से अन्य यूरोपीय देशों से पिछड़ते चले गए थे और उसी में डच जो हॉलैंड वासी थे वो आगे आते चले गए और डच को और पुर्तगालियों को पीछे करते चले गए, उन पे लूट मार करते गए, उन पे प्रहार करते गए, जिसके कारण पुर्तगालियों की शक्ति बिखर सी गई। दूसरा बात ये भी था कि पुर्तगाली शासक निरंकुश था और धर्मांध था, जिसके कारण जो विदेशों में या उसके उपनिवेशों में जो कॉलोनी में उसके जो प्रजा थी वो अपने राजा से, पुर्तगाली सम्राट से इतना खुश नहीं थे और अपने सम्राट से उनपे उसका विश्वास नहीं था। इसी कारण से पुर्तगाली पतन की ओर चले गए थे और पुर्तगाल में इतना उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाए थे और जो पुर्तगाली केवल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कार्य करने लगे थे। ये सारे कारण पुर्तगालियों के पतन के बारे में रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए डच ने क्या किया कि 17वीं शताब्दी तक, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने पुर्तगालियों का स्थान ले लिया था। पुर्तगालियों से बेहतर उसकी नौसैनिक हो गई थी और व्यापार भी उसका अच्छा हो गया था, जिसके कारण से 17वीं शताब्दी के मध्य तक वो डचों ने पुर्तगालियों का स्थान ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि वे पुर्तगाली द्वारा लाए गए पूरब की वस्तुओं को लिस्बन से एंटवर्प ले जाते थे, जहां वो यूरोपीय बाजार में पहुंचाते थे। कि जो पुर्तगाली, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था, तो पुर्तगाली जो यूरोपीय एशियाई देशों से वस्तु लाते थे वो उसको अपने लिस्बन ले जाते थे जो कि पुर्तगाल में था, और डच उसी वस्तुओं को लिस्बन से एंटवर्प ले जाते थे जो उस आजकल के बेल्जियम में है, वहां ले जाते थे और वहां से वो यूरोपीय बाजार में उस वस्तुओं को बेचते थे और वो उससे मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट था कि डचों ने हल्का और खेने में कम लोगों की जरूरत वाली फ्लूट शिप बना लिए। जो पुर्तगाली जहाज थी जो भारी थी और वो उसको उसकी गति भी कम थी, और डच उससे बढ़ के क्या किया कि हल्का जहाज बना लिया और जिसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत होती थी। तो जब कम लोगों की जरूरत होती थी तो जहाज का जो खर्चा होता था उसमें भी कटौती हो गई, वो मुनाफा भी उससे भी जो डच की बचत हो गई वो अपने वो व्यापार में लगाए और वो पुर्तगालियों से आगे बढ़ते चले गए। नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए डचों ने कड़ा संघर्ष किया, क्योंकि जो स्पेन और पुर्तगाल थे उस समय 1580 ईस्वी के आसपास दोनों साथ 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 हो गए थे, तो वो नीदरलैंड या हॉलैंड में भी अपना अधिकार जमाए हुए थे या वहां पे बसे हुए थे। तो वहां से नीदरलैंड से डचों ने उसको हटाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया और उसको बड़ी मुश्किल से वहां से खदेड़ दिया, और साथ में जो एक राष्ट्रीय भावना सभी डचों में या हॉलैंड वासी में जगी कि उस पुर्तगालियों से जो जो भी मसाले व्यापार पुर्तगाली करते थे उसको उससे छीन लेना है, तो वो एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत पुर्तगालियों से मसाले का जो व्यापार था वो भी छीन लिया।
1609 ईस्वी में एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हो गई। इससे क्या होता था कि एशियाई वस्तु जितने भी थे उसका आयात और निर्यात एम्स्टर्डम में होने लगी और एम्स्टर्डम जो है वो आयात निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया। और जब आयात निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया तो इससे क्या हुआ कि डच ये सोचने लगे कि क्यों ना हम खुद ही हिंद महासागर के क्षेत्र में जाएं और एशियाई देशों से खुद वस्तु को लाएं, क्योंकि उसके पास जहाज भी हो गया था, तो लाएं और उससे हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लालसा में वो जो डच थे वो हिंद महासागर और भारतीय महाद्वीप की तरफ रुख कर गए। तो चलिए देखते हैं कि भारती में उसका कंपनी का स्थापना कैसे हुआ और कौन डच प्रथम थे जो भारत में आए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई उसके पीछे जो मुख्य वजह रहा था वो था कि सबसे पहले कार्नेलिस डी हॉटमैन ने 1596 में अपनी जहाजी बेरा के साथ इंडोनेशिया के सुमात्रा और बंताम द्वीप पहुंचा और वहां से उन्होंने मसाले का व्यापार किया, व्यापारी मसाला खरीदा और वहां से लेकर के वो यूरोप में बेचा, तो उसको काफी सारे मुनाफे हुए। तो पहला जो जहाजी बेरा आया था वो कर्नालिस डी हॉटमैन के नेतृत्व में 1596 में हिंद महासागर के क्षेत्र में, इंडोनेशिया के क्षेत्र में आया था। इसे देखते हुए मार्च 1602 ईस्वी में डच सांसद द्वारा डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हो गई, वही बाद में जाकर के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से विख्यात हुआ। और उस कंपनी में स्वतंत्र और समृद्ध व्यापारी की भागीदारी थी और कहा जाता है कि उस जो डच संयुक्त कंपनी जो डच सांसद के द्वारा निर्माण किया गया था उसका आरंभिक पूंजी 65,000 गिल्डर थी, ठीक है। और इस कंपनी को इसे भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिल गई कि आप जाइए और भूमध्य सागर से पूर्व के देशों में जाकर के व्यापार कीजिए। अगर आपके घर में दोस्तों वर्ल्ड का मैप है तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि इंडोनेशिया कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, भूमध्य सागर के पूर्व किधर से जाएगा। तो आप कम से कम अपने घर में एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप जरूर रखें ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फैक्ट्री उन्होंने इंडिया में बसाई, तो सबसे पहला जो फैक्ट्री डच इंडिया में बसाई वो था 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अब देखिए दोस्तों कि 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना डच सांसद के द्वारा हुई और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उसने अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण कर लिया। उसी क्रम में 1610 में पुलिकट में किया, 1616 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री का स्थापना की और इस तरह से वो अपने व्यापार को और फैक्ट्री को बढ़ाते चले गए। इसी क्रम में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे, जिंजी मदुरई और तंजौर के नायकों से कम शुल्कों पे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। जो कम शुल्क जो उसका टैक्स लगता था उससे वो टैक्स से कम शुल्क में ही अपना व्यापारिक सुविधाएं जो भी उसकी थी वो प्राप्त कर ली। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरमंडल तट पर चुंगी कर में रियायत प्राप्त की। जो हमारा तमिलनाडु क्षेत्र का जो क्षेत्र है ना, तमिलनाडु से कृष्णा कावेरी कृष्णा नदी के मुहाने तक उसे कोरमंडल तट हम कहते हैं, तो उस उत्तरी और दक्षिणी कोरमंडल तट पर चुंगी कर में उसने रियायत प्राप्त की तथा वस्त्र के व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा ही फायदा था डचों के लिए। जबकि यह मुहर शुल्क जो वस्त्र के व्यापार पे लगता था वो विदेशी जिसने भी दूसरे कंपनी थी उसको देना पड़ता था, लेकिन डच को इससे मुक्त कर दिया गया, जिसके कारण डच जो है वस्त्रों का व्यापार ज्यादा भारत में करने लगे और मसाले का व्यापार वो अपनी इंडोनेशिया के क्षेत्र से करने लगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि डच का जो व्यापार था भारत से किस किस वस्तुओं का रहा और इंडोनेशिया क्षेत्र से वो किस किस वस्तुओं का करता था और वो पुर्तगालियों पे किस तरह से प्रहार करते गए, उसके जहाजों पे किस तरह से प्रहार करते हुए उसे हिंद महासागर से और भारतीय महाद्वीपों से खदेड़ दिया। तो आइए इसको देखते हैं। तो डचों का व्यापार की अगर बात करें तो मुख्यतः व्यापार डच जो है भारत से वस्त्रों का किया करता था। तो यही पॉइंट हमने लिखा कि इंडोनेशिया के क्षेत्र से मुख्यतः मसाले की व्यापार करते थे डच। जो मुख्यतः व्यापार इंडोनेशिया के क्षेत्र से करते थे वो मसाले की करते थे तथा भारत के कोरमंडल तट से मुख्यतः सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, जिसे वो भारत के बाजारों से सूती वस्त्र को खरीदते थे और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाकर के उसको बेचते थे और मुनाफा कमाते थे, और इंडोनेशिया के क्षेत्र से मसाला खरीदते थे और यूरोप ले जाकर के उसको बेचते थे।
मसूलीपट्टनम जो उसका बंदरगाह था जहां पर उसने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम से उसने नील का तथा सोरे का निर्यात किया करते थे भारत से, नील और सोरे को खरीदते थे और बाकी के देशों में वो बेचा करते थे। दलालों के माध्यम से भारतीय बुनकरों से वो संपर्क करते थे। अब क्या है कि जो भारत में जितने भी बुनकर थे तो उससे वो कभी कभी सीधा भी संपर्क कर लिया करते थे, लेकिन ज्यादातर जो है उससे वो संपर्क करते थे किसी दलाल के माध्यम से ही करते थे, ताकि वो उसके लिए एडवांस देते थे और उसको अपने लिए कपड़ा बनवाते थे और उसी कपड़े को सस्ते दाम पे खरीद करके वो विदेशों में बेचा करते थे और उससे वो काफी मुनाफे कमाए। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में वो अपने जो प्रतिद्वंदी थे पुर्तगाली, उसके जहाजों पे आक्रमण भी किया करते थे। तो देखते हैं कि वो पुर्तगाली को भी किस तरह से कहां कहां से वो आक्रमण किया और कहां कहां से वो हटाया। तो पुर्तगालियों पर डचों का जो प्रहार था उसमें जो सबसे मुख्य प्रहार में 1632 में डचों ने पुर्तगालियों को हुगली क्षेत्र से हटाना शुरू किया। यदा काजा तो हमेशा वो क्या करता था, लेकिन 1632 ईस्वी में मुख्यतः वो हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट में 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटा दिया। श्रीलंका के क्षेत्र से 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों को उसने बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया। और 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेकापट्टनम जो बंदरगाह है वो पहले पुर्तगालियों के अधीन था, जिसको डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया और इस तरह से वो पुर्तगालियों को सफाया कर दिया और अपना व्यापार को स्थापित करते चला गया। लेकिन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी भारत आ गया था और वो भी अपना व्यापार को उसी क्रम में बढ़ाए चले जा रहा था। तो शुरू में क्या है कि डच और अंग्रेज आपस में मित्रतापूर्वक ही रहते थे, लेकिन बाद में जो व्यापारिक लाभ की लालसा थी वो उनको आपस में शत्रुता उत्पन्न करते चली गई और पुर्तगाली को तो डच हटा दिया लेकिन अंग्रेज के रूप में उसका एक प्रतिनिधि बच गया और बाद में उसने अंग्रेज से भी उसको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में अंग्रेज विजय रहे और डच का भी बोरिया बिस्तर भारत के क्षेत्र से हट गया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक ही सिमट कर रह गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि डच और अंग्रेजों का जो संघर्ष है एंग्लो डच वॉर, उसी क्रम में देखते हैं कि किस तरह से डच अंग्रेज में आपस में संघर्ष किए और डच किस तरह से पराजय हो गया। तो डच और अंग्रेज के संघर्ष के बारे में बात करें दोस्तों, तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्ता के लिए डच और अंग्रेज जो थे आपस में संघर्ष करने लगे और वो एक्चुअली हिंद महासागरीय क्षेत्र में ही नहीं, वो यूरोप में भी अब व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए अब युद्ध करने लगे। तो जो उसका युद्ध चला था वो चार युद्ध चला था जो कि यूरोप में लड़ा जा रहा था। तो यूरोप में जो तीन युद्ध हुए थे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तीन युद्ध हुए थे और तीनों युद्ध का मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हूँ, आप उसको थोड़ा सा देखिए कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता के लिए डच और अंग्रेज का संघर्ष के बावजूद भी व्यापार में वर्चस्व तथा विदेशों में औपनिवेशिक कॉलोनी के लिए यूरोप में वो युद्ध लड़ रहे थे कि कौन सा औपनिवेशिक क्षेत्र मेरा हो, कौन सा औपनिवेशिक क्षेत्र मेरा हो, इसके लिए वो आपस में युद्ध करने लगे थे। तो डच और अंग्रेज के बीच चार युद्ध हुए जिसके एंग्लो डच वार भी कहते हैं। तो पहला युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो डच वार हुआ था 1652 से लेकर के 1654 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी लेकिन डच को ज्यादा कुछ नुकसान इसमें नहीं हुआ था। सेकेंड युद्ध जो हुआ था एंग्लो डच वार, जो कि 1665 से 1667 में हुई थी, जिसमें डचों की जीत हुई थी लेकिन फिर भी उसमें भी अंग्रेज उतना दबे नहीं थे, उसमें सभी में कुछ न कुछ संधियां हो जाती थी एक दूसरे में और सुलह हो जाया करता था। फिर तीसरा युद्ध जो हुआ था एंग्लो डच वॉर 1672 और 1674 में, उसमें भी डचों की जीत हुई थी। तो उस जीत में का जो प्रभाव जो भारत में पड़ा था उसमें क्या हुआ था, तो सूरत और बंबई में अंग्रेजों की जो नई बस्ती थी उसका संचार सेवा डचों ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया था तथा बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी दो तीन जहाज को भी डच ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन समय के साथ साथ जब 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख सियार के व्यापारिक फरमान, जो मुगल का जो व्यापारिक फरमान अंग्रेजों के हक में आया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजों के लिए,
उस फरमान से जो बंबई और कोलकाता में उसको ट्रेड में छूट कुछ मिल गई थी, जिसके कारण से डच जो है इंडिया में अंग्रेजों से पिछड़ते चले गए। और 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध जब हुआ था, जो कि जिसे चिंसुरा का युद्ध भी कहते हैं हम, तो उसमें अंग्रेज ने डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया और डच का भारत से बोरिया बिस्तर बन गया और वो दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में सिमट के रह गया। तो बेदरा के युद्ध के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये तीनों जो युद्ध हुए थे वो तीनों यूरोप में ही हुए थे। और यूरोप में कहाँ पे हुए थे, तो आप देखते होंगे कि एक अगर वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो जो हम ब्रिटेन है और ब्रिटेन है और उसके बाद नीदरलैंड है, उसके बीच एक इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है नॉर्थ सी, तो उसी स्थान पर ये तीनों समुद्री युद्ध थे। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी में ये युद्ध लड़े गए थे। उसके बाद एक सेंचुरी के बाद, एक शताब्दी के बाद फिर से एंग्लो, चौथा एंग्लो डच वार युद्ध लड़ाया गया था, जो 1780 से 1784 के बीच में लड़ाया गया था। उस समय अंग्रेज की नौशक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली नौशक्ति थी और उस समय उसने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और डच को पूरे दुनिया पे ये कह सकते हैं कि अपना झंडा सा गाड़ लिया था और डच को बुरी तरह से पराजित करके खदेड़ लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा बेदरा के युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो बेदरा का युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में प्रभुत्ता के लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो बैटल ऑफ बेदरा को बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं या बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, क्योंकि चिंसुरा जो थे वो कोलकाता के बाहरी का क्षेत्र था और हुगली नदी के पास का क्षेत्र था। तो बेदरा जो था चिंसुरा के पास एक मैदान था, उसी में अंग्रेज और जो है सो डच आपस में युद्ध करने के लिए योजना बनाई। लेकिन आप जो बैटल ऑफ बेदरा है वो उसको एक सेवन ईयर वार का पार्ट कहा जाता है, जो कि यूरोप में लड़ा जा रहा था। और यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जा रहा था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा जा रहा था। तो फिर ये डच कहां से बीच में आ गया, वो किस तरह से इसका पार्ट हुआ था। तो क्योंकि सेवन ईयर वार 1756 से 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस बीच में लड़ा जा रहा था, लेकिन हम जानते थे हैं कि 1753 में पलासी के युद्ध में जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध कर रहा था, वो सिराजुद्दौला को धोखा देकर के अंग्रेज की तरफ हो गए थे, जिसके कारण अंग्रेज ने मीर जाफर को नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया था। लेकिन वो मीर जाफर को ये लगने लगा कि बस वो एक अंग्रेज का कठपुतली बनके वो वहां का सरकार को चला रहा है, राज्य को चला रहा है, और अंग्रेज वो अपने हिसाब से उससे अपना काम करवाता था जो मीर जाफर को पसंद नहीं था। तो वो अब सहायता मांगे तो किससे मांगे, फ्रांस को उलझा हुआ था, तो इसीलिए उसने डच को इन्वाइट किया था कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए और बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ दीजिए। तो इसके कारण से जो बंगाल के नवाब मीर जाफर थे उसने डचों को आमंत्रित किया था और डच ये सोच करके आए कि अभी इंग्लैंड जो है वो फ्रांस के साथ युद्ध में व्यस्त है, तो हम आसानी से हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे और अपनी व्यापारिक प्रभुत्व को बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये युद्ध 25 नवंबर 1759 को बेदरा के मैदान में लड़ा गया था। इसमें जो ब्रिटिश सेना थे उसके जो कर्नल थे वो फ्रांसिस फोर्ड थे और कैप्टन चार्ल्स विल्सन थे, और डच का जो कॉलोनल था वो जीन बैप्टिस्ट था और रॉसल थे। डच के साथ मीर जाफर भी था और वो अपने 100 कैवलरी उसको दे दिया था। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो था ब्रिटिश सेना में वो 50 यूरोपियन कैवलरी था, 320 यूरोपियन इन्फेंट्री था, 800 नेटिव इन्फेंट्री था और 80 यूरोपियन आर्टिलरी था, जिसमें 4 गन थे। इतने के साथ ब्रिटिशर्स बेदरा के मैदान में पहुंचे, जबकि डच के पास 700 यूरोपियन कैवलरी था और 800 वो मलय द्वीप से हायर करके सैनिक को लाए हुए थे, साथ में मीर जाफर के 100 कैवलरी था। लेकिन 25 नवंबर 1759 को जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और वहां से डच का जो सपना था भारत में व्यापार को बनाने का वो सपना टूट गया और वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में या पूर्वी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सिमट के रह गया। तो इसमें आप कैजुअल्टी की बात करें तो डच के तरफ से जो कैजुअल्टी हुआ था जिसमें 100 यूरोपियन और 200 मलय मारे गए थे, 300 घायल हो गए थे और 565 को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और अंग्रेज का बहुत ही शानदार जीत रहा था, जिसके बाद से अंग्रेज भारत में एक छोटा सा गाड़ दिया और अंग्रेज अपना प्रभुत्व और सत्ता और व्यापार भारत में बढ़ाते चला गया। तो इस तरह से
अपने जो जितने भी विरोधी थे अंग्रेज सबको हटाते चले गए और अपना सत्ता को स्थापित कर लिया। तो इस तरह से हम अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो डचों का पतन हुआ था उसके मुख्यतः क्या क्या कारण रहे और फिर अंग्रेज कैसे भारत में आए और अपना प्रभुत्व कैसे कैसे स्थापित किया, व्यापार को कैसे कैसे बढ़ाया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डच के थोड़ा सा पतन के कुछ मुख्य बिंदु। तो डच के पतन के बारे में बात करें तो ये सब कुछ मुख्य बिंदु है जिससे डचों का पतन हुआ। मैंने ये बिंदु दोस्तों यहाँ पे इसीलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसे नोट कर लें, ताकि आपका एक नोट प्रॉपर वीडियो के साथ नोट भी बनते चला जाए और बाद में कभी आपको देखने की जरूरत हो तो आप उस नोट को एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको सारा रिकैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डचों का जो पतन का मुख्य कारण है, जबकि डच जो है तीन शताब्दियों तक दक्षिण पूर्व के जो द्वीपों पर अधिकार रहा, उनका उनका व्यापार पे बढ़चाव रहा, फिर भी इंग्लैंड उसको हरा दिया। तो यही लिखा हुआ है कि तीन शताब्दियों तक पूर्वी द्वीपों समूह पर डचों का अधिकार रहा पर अंग्रेज उसे स्थापित नहीं होने दिया। डचों ने जिस शक्ति से पुर्तगालियों को हराया था वह अंग्रेज के विरुद्ध काम नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गया था और अंग्रेज का जो नौशक्ति थी वो और दूसरे जो भी यूरोपियंस आए थे उनकी नौशक्ति से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए थे। शुरुआत में मित्र थे डच और जब शुरू में आए थे तो शुरुआत में दोनों मित्रता पूर्ण व्यवहार करते थे, पर बाद में व्यापारिक लाभ के कारण वो आपस में शत्रु हो गए। कहते हैं ना दोस्तों कि पैसे के कारण भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, यही कारण है कि व्यापारिक लाभ और फायदा के कारण, पैसे के कारण वो दोनों आपस में शत्रुता हो गए और शत्रुता पूर्ण व्यापार व्यवहार करने लगे और एक दूसरे पे आक्रमण करने लगे और चाहने लगे कि कैसे एक दूसरे को हराया जाए और ये पूर्व के देशों से हिंद महासागर के क्षेत्रों से उसको कैसे एक दूसरे को हटाया जाए। डच कंपनी के अधिकारियों का जो वेतन था वो बहुत कम था, इसीलिए वे निजी व्यापार में ही सक्रियता दिखाते थे। कहते हैं कि उनके जो डच के जो अधिकारी थे उनको तो सैलरी एक कम मिलते थे, इसीलिए वो खुद का जो बिजनेस करते थे, जो खुद का भी व्यापार करते थे, केवल उसी में जिसमें उसको फायदा लगता था उसी काम को वो करते थे, बाकी जो कंपनी का काम रहता था उसमें वो इतना सक्रियता नहीं दिखाते थे, जिसके कारण से डच की जो व्यापार है वो धीरे धीरे पतन की ओर चलने लगा। हॉलैंड जो है वो लंबी अवधि तक यूरोप में पराधीन रहा था, जबकि इंग्लैंड स्वतंत्र रहा था। इंग्लैंड तो सबके अपने नियंत्रण में किया हुआ था, तो इंग्लैंड की इस तरह से शक्ति बहुत बढ़ती चली गई थी। और दूसरा कारण ये भी रहा कि जो यूरोप में डच जो है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध भी किया, जिसके कारण उसके शक्ति में ह्रास होते चला गया। और वो ह्रास जो यूरोप में हुआ था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि चार एंग्लो डच युद्ध हुए थे और उस चारों युद्ध में इंग्लैंड जो लास्ट का युद्ध हुआ था 1780 और 84 में, वो डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और जिसके कारण से वो हिंद महासागर के क्षेत्र में इंग्लैंड का मुकाबला नहीं कर पाया और डच का पतन हो गया। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखे हैं दोस्तों कि डच कैसे आए, उसका व्यापारिक गतिविधियां कैसा था, उसका व्यापार कैसे था, पुर्तगाली पे उसने कैसे कैसे आक्रमण किया, पुर्तगालियों को खदेड़ा, फिर हमने ये देखा कि अंग्रेजों के साथ उसका क्या संघर्ष रहा और अंग्रेज से हार कर वो कैसे दक्षिण एशियाई देशों में सिमट के रह गया और भारत के क्षेत्रों से कैसे वो हट गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो भारत में, अंग्रेज के बारे में देखेंगे कि अंग्रेज कैसे भारत में आए और अपनी व्यापारिक गतिविधि को कैसे बनाए, और उसके साथ फिर हम फ्रांस को भी देखेंगे, फिर उसको लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर एक बार नहीं तो एक से दो बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट आता है आपको या कोई क्वेश्चन आता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट का हल मैं कर सकूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनको भी, ताकि उनको भी इनका लाभ पहुंच सके। और स्वस्थ रहिए, आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, घर से बाहर काम हो तभी निकलिए, क्योंकि आपको अपने आप को ही बचाना है और देश को ही बचाना है और कोरोना को हराना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।